नी भयंकर आवाज आ रही कि बहुत ही भयंकर वाली। और इस समय ना सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है तो यहाँ पे बिल्कुल ओपन है। इसमें पानी डाला, उसके ऊपर दीदी ने घी डाला और इसमें अब डाला है और इसमें ना घी भी है तो ये काफी पौष्टिक होता है। इस तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग में। अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाँव वाले घर से। बारिश भी बहुत हो रही है लेकिन हमारा जो ऊपर छत पे ना टीन सेट बना रखा है ना तो उसमें इतनी भयंकर आवाज़ आ रही कि बहुत ही भयंकर वाली। और इस समय ना दीदी जा रखे हैं पीछे जहाँ हमारा हनुमान जी का झंडा स्थापित कर रखा था, तो वहाँ पे 6 महीने हमने लोग दिया लगाना है हम लोगों ने, तो दीदी जा रखे हैं पीछे। तो बाकी छत पे हमारे छत पे ना अब ये है कि कपड़े कुपड़े डालने के लिए अच्छा हो गया है, वहाँ बारिश नहीं आ रही है। तो बाकी आसपास का माहौल आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ठंडा हो चुका है। इस साल बारिश बहुत कम हुई, तो साल की ये लगा लो कि पहली बारिश है। इससे पहले बारिश हुई थी तो बहुत कम हुई थी, ना के बराबर बारिश हुई थी। तो आज तो कल रात से लगातार खूब बारिश हो रही है। हम लोगों का किचन यहाँ नीचे है, सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है, तो यहाँ पर बिल्कुल ओपन है किचन में जाने के लिए। तो किचन में चलते हैं। किचन में हम लोगों ने जल्दी उठ के आग जला दी थी और पानी गर्म कर दिया था, साथ में आज ना लाइट भी आ रही है जा रही है। इस समय तो लाइट नहीं है। और बाहर ठंडा वाला मौसम हो, बारिश वाला मौसम हो और हमारे किचन में पहाड़ी डिश न बने, ऐसा हो नहीं सकता है। और आज बनाने जा रहे हैं दीदी गुलथिया। तो जब भी मैं घर आती हूँ तो गुलथिया बनता है। ये बहुत टाइम बाद बन रहा है हम लोगों का गुलथिया आज, और ठंडा है ना बाहर तो ये पानी का जो गुलथिया होता है वो गर्म होता है, तो इसलिए इसको बना रहे हैं आज। तो हमने पहले इसमें पानी डाला, उसके ऊपर दीदी ने घी डाला और इसमें अब डाल रहे हैं गुड़। तो इसके बाद उसमें हम मिलाएंगे आटा। फाइनली हमारा ये गुड़ वाला पानी उबल चुका है और इसमें ना घी भी है तो ये काफ़ी पौष्टिक होता है। इसके बाद जो ये आटा ला रखा है, ये आटा तो इससे बनेगा भाई। और जो ये लकड़ी है ना, जो ये तो स्पेशल गुलथिया बनाने के लिए ही रखी हुई है हम लोगों ने। तो हमारी गढ़वाली भाषा में इसको ढुईलू बोलते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते होंगे दीदी इसको? तो दीदी बोल रहे भगवान जाने बोलते होंगे, पता नहीं, हमें नहीं पता, पर गढ़वाली भाषा में ढुईलू ही बोलते हैं। तो हमारा अंदर पे बन रहा है गुलथिया और बाहर का मौसम आप लोग देखे कि पूरा नीचे और नीचे तक बर्फ आ चुकी है चौमासी में, ये देखो। कि हम लोगों का नाश्ता हो चुका है और बाहर आई तो मैं बाहर मुझे काफी खूबसूरत से नजारे देखने को मिले। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे गांव के ऊपर ठीक ऊपर ना बर्फ आ चुकी है पहाड़ी पे, ये देखो। अगर आज और आज दिन पर बारिश रहेगी तो यहाँ नीचे भी बर्फ आएगी, तो अच्छा है भाई, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा बर्फ। किचन गार्डन की हालत इस बार ना बहुत बुरी रही भाई, उस पर कोई भी साग सब्जी नहीं हुई, हम लोगों ने बोया ही नहीं। और इस बार ना बहुत ही खोदना बहुत मुश्किल था, तो अब बारिश हो गई है तो इसके बाद हम लोगों ने किचन गार्डन की बुआई भी करनी है। तो अभी 9:45 हो चुके हैं और मैं अब घर से अब जा रही हूँ। और आजकल जैसे बारिश होती है तो टाइम का पता ही नहीं चलता है और मुझे हो गई है लेट, साथ में यहाँ पे जी लगे हुए हैं काम पे, पानी बारिश की वजह से पानी आ रहा होगा तो उसको वहाँ पे सफाई कर रहे हैं। आज रास्ते में चलने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी फिसलन हो रखी है, तो मैं काफ़ी आराम आराम से चल रही हूँ। जल्दी जल्दी चलने में ना डर लग रहा है फिसलने का।